लिखा, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं था रहा, तो चलो चलो चलो, दिस इज माई मोबाइल। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी इसका कैमराज वगैरह अभी मैं इसमें व्लॉग करूंगी आगे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी नईमा एंड वेलकम बैक टू नईमाज व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज जो है मैं यहाँ पे बैठ के ना अपने कुछ कर रही थी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मुझे जैसा कि डायरीज वगैरह आर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो यहाँ पे बैठ के मैं अपनी डायरीज वगैरह के लिए एज यू गाइस कैन सी ये सब कुछ देख रही थी। मतलब ये मैंने ना यूट्यूब पर कहीं पर देखा था इसका ट्यूटोरियल, फिर उसके बाद मैं ये बनाना स्टार्ट कर दिया था। अभी मैंने सिर्फ तीन ही बनाए हैं, बाकी ये मैं दिखाती हूँ आप लोग को। मैंने ना कट करके यहाँ पे सिर्फ सर्कल्स लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, ये और ये, ये सब कुछ मैंने अभी बनाया है। और अभी मैं और भी ज़्यादा बनाने लगी थी यहाँ पे, मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी क्यों ना शेयर करूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ। मुझे क्योंकि आर्ट्स और ड्राइंग क्राफ्टिंग वगैरह का डायरी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, यहाँ पर मैंने अपनी डायरी रखी हुई है जिसके ऊपर मैं इन सबको पेस्ट करूँगी। ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो इसका स्टार्टअप मैंने इस तरह से कर लिया हुआ है, एज यू गाइस कैन सी इस तरह से मैंने इसके थोड़े बहुत पेजेस अभी बनाए हैं और आगे भी अभी मैं इसको और कंटिन्यू करूँगी। प्लस मैंने अपने लिए जो जर्नल का स्टिकर मंगवाया था जो मैंने वीडियोस में अपने दिखाया था, सो ये है वो जर्नल स्टिकर जिसके ऊपर बहुत से कोड्स लिखे हुए हैं। ऐसे और भी ज़्यादा मैंने ऑर्डर किए हैं, वो अभी आ रहे हैं। ऑर्डर एक तो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है। मैं यहाँ पे सब कुछ लेके अपना बैठी हुई हूँ। ये मेरा कलरिंग बॉक्स है और ये मेरी ज्योमेट्री बॉक्स है जिसके अंदर से मैं जो ना चीज़ें निकाल निकाल के कर रही हूँ अभी अपना काम, क्योंकि मुझे तकरीबन बहुत सारे अभी इस तरह के स्टिकर्स अपने लिए बनाने हैं जो ट्यूटोरियल मैंने देखे हैं, इसको मैंने अपनी डायरीज वगैरह पर पेस्ट करना है। सो ये रहे मेरी सारी चीज़ें, इस बॉक्स के अंदर मैंने अपना सब कुछ डाला हुआ है। एक ही बॉक्स है मेरे पास जिसके ऊपर मैंने ये सीजर्स वगैरह, कलरिंग मार्कर्स, हाइलाइटर, सब कुछ, मतलब इसके अंदर देखो मेरे पोस्टर कलर्स भी डले हुए हैं, आधे इसके अंदर हैं, आधे कहीं और हैं। पोस्टर कलर्स क्योंकि ड्राई हो चुके हैं इसलिए अब इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। कुछ मार्कर्स अंदर ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, बहुत कुछ मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा सारा आर्ट्स वगैरह का। मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर भी करूँगी अपनी जो मैंने आज तक थोड़ी बहुत ड्राइंग पेंटिंग वगैरह मतलब छोटे होते की थी, अब तो मैंने छोड़ दी है, अब तो मैं डायरीज बनाती हूँ, लेकिन पहले मैंने की थी तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। सो अभी ना इसको कंटिन्यू करते हैं ये बनाने को, ये सब कुछ करते हैं यहाँ पे बैठ के मैं टोटल अपना सीन बना के। और इस स्त्री को आप लोगों ने इग्नोर करना है, सादिया ने यहाँ पे रखी है, मैंने अपना पूरा बेड वगैरह सब कुछ साफ़ किया हुआ था और शादी आई है उसने सब कुछ गंदा कर दिया और ये भी उसी ने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको तो मैं पहले उठाती हूँ ना। और प्लस आज की वीडियो का ना एक और भी मोटिव है जो कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा, लेकिन मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊँगी क्या है, कैसे है, क्यों है, किस तरह है, वो मैं आगे चल के आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या होने वाला है, किस लिए मैं ये वीडियो बेसिकली शूट कर रही हूँ। बस 5-10-15 मिनट थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग वगैरह कर लूँ, थोड़े से स्टिकर्स अपने लिए बना लूँ, फिर उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी आगे वीडियो में हम लोग क्या करने लगे, आज क्या होने लगा। आई एम सुपर एक्साइटेड आप लोग को दिखाऊँ, तो वैसे थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा, लेकिन आगे चल के वीडियो में मैं दिखाऊँगी। सो लेट्स गो। और एट गाइस, तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपने थोड़े से और तैयार कर लिए हैं जिसके ऊपर मैंने लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड सेकंड वन इज हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस वाला जो है ना मैं बताती हूँ मैंने क्यों लिखा है, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं था रहा, तो मैंने जो है ना उसके ऊपर सिंपल हैप्पीनेस लिख दिया। मैंने सोचा कि ये भी यूज़ होगा एंड अब जो है ना मैं कुछ और सोच रही हूँ कि मैं कुछ और बनाऊँ। और सो गाइस, ये मैंने जो है ना प्रैंक किया अपने साथ इतनी मेहनत करने के बाद, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके साथ। और बाकी अभी जो है ना हम लोग जिस काम के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया वो करते हैं, अभी मैं जाने लगी हूँ बाहर। सो लेट्स गो विद मी, मैं थोड़ा सा तैयार वगैरह होके आती हूँ। सो लेट्स गो। मुझे लग रही है तेज़ किस्म की भूख, लेट मी चेक द फ्रिज कुछ हो इसके अंदर। वैसे तो फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ है यार, ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ग्रेप्स खाते हैं अभी, दो शौक है इनकी नाइयाँ करवा के इनको। वैसे ग्रेप्स मैंने ले लिया, अब इसको खाती हूँ मैं चल के, बहुत तेज़ भूख लग गई है। जाने से पहले मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ फिर जाते हैं। बस
चुकी हूँ। अब ना मैं आप लोग को बताती हूँ, बेसिकली अभी मेरे पास जो है वो है आईफोन 11, ठीक है, सिंपल आईफोन 11 है, जिसकी अपडेशन कह रहे हैं कि ख़त्म होने वाली है। तो आई थिंक इसकी अपडेशन अब एक साल में या डेढ़ साल में ख़त्म हो जाएगी और ये बंद हो जाएंगे। तो मुझे इस चार से ना मुझे ये होता है कि मैं जल्द से जल्द नया मोबाइल ले लूँ। जब इनकी अपडेशंस ख़त्म हो जाएंगी तो इनके प्राइजेस भी बहुत लो हो जाएंगे। अभी अगर ये 1.5 लाख का है तो तब ये 80-90 thousand का हो जाएगा। मैं आने लगी हूँ, मेरी बहन बुला रही है मुझे। अच्छा, तो ये इतना लो प्राइस का हो जाएगा। तो अब मेरा ये है कि मैं जल्द से जल्द अपना मोबाइल चेंज करूँ। सो आज मैं उसी लिए जा रही हूँ न्यू मोबाइल लेने, आईफोन 12 प्रो मैक्स। वो देखेंगे, अगर मुझे पसंद आता है तो मैं इंशाल्लाह आज लेके आऊँगी। और बाकी मैं आप लोग को आगे चल के दिखाती हूँ किस तरह हम लोग लेते हैं, क्या कुछ करते हैं। अभी मुझे चाहिए वही दुपट्टा। यहाँ से मैं देखने आई थी कि मैं कोई दुपट्टा ले लूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी बता दूँ जो अपडेट्स हैं। बट दुपट्टा तो मुझे मिला नहीं, यहाँ पर कपड़े लटके हुए हैं। सो ऐसे ही चलते हैं हम लोग, अब भी यही पहन लेती हूँ। सो अब चलते हैं हम लोग नीचे, गाड़ी वगैरह निकल चुकी है, लाइट्स वगैरह मैं ऑफ करती हूँ। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट नीचे, सब नीचे जा चुके हैं, सिर्फ मैं रह गई हूँ जो नहीं गई। सब बैठ चुके हैं कार में, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं डोर बंद करके बैठूँगी। दादी अभी अंदर बैठ चुकी है, टिन टैन गाड़ी, जिसकी वजह से नज़र नहीं आएगा अंदर बैठे सब। हाँ, मैं अभी नहीं आ रही, मैं गेट बंद करके आऊँ। चलो 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 Next morning. Okay, so guys, welcome back. रात को हमें इतना लेट हो गया था मोबाइल का करते करते, सब कुछ इतना लेट हो गया था कि जो वो आगे का कैप्चर कर ही नहीं सकी। एनीवेज मैंने मोबाइल वगैरह खोल लिया था, ले भी लिया था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो हियर इज माई मोबाइल, जो कि मैंने अनबॉक्स कर लिया हुआ है पहले से ही, लेकिन अभी मैं आप लोग को एक दफ़ा दिखा देती हूँ। Okay, so guys. तो मैंने ना इसमें अपनी सारी आईडीज़ वगैरह लॉगिन कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ मेरा वापस से आ गया है। और ये ब्लू कलर का है, तो सब कुछ इस पर वापस आ चुका है, मतलब मैंने अपना सब कुछ यहाँ पे लॉगिन कर लिया था रात को, इसलिए हमें लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अभी है सुबह के टाइम जब हम लोग जा रहे हैं इसका पाउच लेने और साथ में ब्रेकफास्ट करने। सो अभी चलते हैं, चल के हम लोग कुछ करते हैं। और ये ब्लू कलर का यार बहुत प्रीटी है, ये बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इसका कैमराज वगैरह अभी मैं इसमें व्लॉग करूंगी आगे का। सो लेट्स गो। ओके सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पाउच वगैरह लेना है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, और थोड़ा सा हमारा अपना काम है वो करना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है। उफ, मेरी तो ब्रेकफास्ट से इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मामा लोग गए हुए हैं काम से और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, और अभी जो है वो मैं वेट कर रही हूँ कब मामा लोग आएँ, फिर हम लोग आगे जाएँ अब अगला काम करने। सो फिर उसके बाद जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि डेढ़ हो रहा है और इतनी तेज़ भूख लग गई है कि मतलब बस भूख से जान नहीं कर रही है, और मुझे लगता है अब तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया होगा। तो बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यार मामा ने ना रात को मेरी आंखों में सुरमा पहना दिया था, क्योंकि मेरी ना आंखें दर्द कर रही थी, तो अभी वो सुरमे के साथ मैं देख रही हूँ अपने आप को, इतना बुरा लग रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही थी, मैं इतनी बुरी आ रही हूँ ना सुरमे के साथ, तो इग्नोर करें। और इसलिए यार अभी हम लोग नाश्ता वगैरह ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें इतनी मुश्किल से अब एक जगह पर मिला है, तो हम लोग यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होगा, इस टाइम 2 बज गए हैं, तो अभी देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें। यहाँ पे सब कुछ ही है इस टाइम भी नाश्ते में। सो अभी हम लोगों ने ना एक नाश्ता मंगवाया है ताकि इसको टेस्ट करके हम लोग देखें कैसा है। तो अभी आ चुका है, ये है पराठा, तो बहुत ज़्यादा छोटा है, इससे तो हमारी दाल भी नहीं गिली है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगर और मंगवाना है तो। लच्छे वाला पराठा है और साथ में सिंपल ऑमलेट है। ओके सो गाइस, अभी हम लोगों ने पराठा वगैरह तो खा लिया है यहाँ पे,
और ये टेस्टी लगा है तो हम लोगों ने और भी ऑर्डर दे दिया। ये सारा हम लोगों ने खत्म कर लिया। अभी ये देखिए, अभी और ज्यादा हमारा जो पराठा आने लगा है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और फाइनली अभी मेरा नाश्ता आ चुका है, अब मैं इसको खाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने सिंपल ऑमलेट और पराठा मंगवाया क्योंकि और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। और इस नाश्ता वगैरह हम लोग का हो चुका है, अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे घर। घर जाके मैं आप लोग को फिर दिखाऊंगी क्या सीन होते हैं। और इस गाइस, ये जो मैंने पाउच लिया था जिसके लिए हम लोग आए थे, ये अब इस तरह से लग रहा है। सो एज यू गाइस कैन सी, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस फोन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट घर। घर जाके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या सीन्स होते हैं। और अभी बज चुके हैं 2:34 और अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ है। सर में दर्द होने लगी है ना इतना लेट ब्रेकफास्ट करके। Finally guys, we are at home now. तो अभी जो है मैंने आप लोग को अपना मोबाइल भी दिखा लिया जो मैंने लिया है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस फोन। सो अब इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे ही एंड। इसी तरह सारी रूटीन थी मेरी रात से अभी तक की। सो अभी मैं थोड़ा सा शायद सोऊं क्योंकि रात को भी मैं लेट ही सोई थी। और बाकी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।